हाय गाइस, वर्डप्रेस की लेक्चर सीरीज में आपका मोस्ट वेलकम है। आज हम स्पेशली सीखने वाले हैं एक प्रोफेशनल तरीके से वर्डप्रेस पर पोस्ट कैसे करते हैं। हम प्रोफेशनल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम कुछ प्लगइन्स का यूज करने वाले हैं, दो प्लगइन्स का यूज करने वाले हैं, जिससे हमारा पोस्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा और एक अच्छे तरीके से हम पोस्ट कर सकते हैं। उसके पहले मैं बता दूं, जिस भी स्टूडेंट ने डिजिटल स्वर्म चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हम लोग डेली लाइव आते हैं 9 PM एंड 5 PM पर, तो हमारी लाइव क्लासेस भी जरूर अटेंड करें। तो चलते हैं सीधे वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पर, बात करते हैं कैसे हमें प्रोफेशनल तरीके से पोस्ट करना है। हम वर्डप्रेस की डैशबोर्ड पर आ चुके हैं। अब इस डैशबोर्ड पर हम सीखेंगे कि किस तरीके से हमें प्रोफेशनल वे में पोस्ट करना है। उसके लिए कुछ प्लगइन्स होती हैं, दो प्लगइन्स से मैं बताऊंगा, उसको डाउनलोड करना है, देन आप प्रोफेशनल तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। पहले हमें बहुत सिंपल तरीका देख लेते हैं। हमें पोस्टिस पर जाना है और एड न्यू करना है। देखिए, हम सिंपल तरीके में पोस्ट करते हैं तो उतना हमें लाइक फीचर्स नहीं मिल पाते। अब देख रहे हैं, ये है एक सिंपल तरीका जिससे आप पोस्ट कर सकते हैं, लेकिन हमें उतने फीचर्स नहीं मिल पाते, क्योंकि हम प्रोफेशनल तरीका इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपने सभी ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया होगा, एक्सेल यूज किया होगा, तो उसी तरीके से हमें पोस्ट भी कर सकते हैं वर्ड के फॉर्मेट में। तो ठीक है, वर्ड का फॉर्मेट यहाँ पे पूरा अटैच करते हैं जिससे हम अच्छे से टाइप कर सकें और फिर अच्छे से पोस्ट कर सकें। तो ये अगर आप इस तरीके में लाइक सुटेबल है तो आप इस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। अभी हम इसको करते हैं बैक, और दो प्लगइन्स हैं, आपको सबसे पहले उनको इंस्टॉल करना है। तो मैं प्लगइन्स के सेक्शन में जा रहा हूं। प्लगइन्स के सेक्शन में जाने के बाद आपको क्लिक करना है एड न्यू पर। ठीक है, आपको एड न्यू पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे सर्च प्लगइन्स में सबसे पहले आपको टाइप करना है क्लासिक एडिटर। ठीक है, क्लासिक एडिटर आपको जैसे ही आप टाइप करेंगे क्लासिक एडिटर, मैं एक मिनट वेट करता हूं। तो सबसे पहले आपको ये डाउनलोड करना है, दो प्लगइन है, दोनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। सबसे पहली प्लगइन है क्लासिक एडिटर। तो ठीक है, क्लासिक एडिटर इंस्टॉल हो चुकी है। दूसरी प्लगइन का नाम है एडवांस एडिटर टूल, ये है दूसरी प्लगइन, एडवांस एडिटर टूल, इसको भी आपको इंस्टॉल करना है। ये दो प्लगइन आपको इंस्टॉल करनी है, देन आपका जो पोस्ट करने का फॉर्मेट है सेम वर्ड जैसा हो जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है उस जैसा हो जाएगा। तो ठीक है, इसको हम एक्टिवेट करते हैं और इसको भी हम एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेट हो चुकी है और उसको भी हम क्लासिक एडिटर एक्टिवेट हो चुकी है, दूसरी प्लगइन को भी हम एक्टिवेट कर लेते हैं एक बार। ये वाली भी एक्टिवेट हो चुकी है। मैं प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आ चुका हूं। ठीक है, अब मैं सबसे पहले यहाँ पे पोस्टिस के सेक्शन में जाना है और देखेंगे क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, पोस्टिस के सेक्शन में आपको एड न्यू पर क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ डिफरेंट हुआ होगा। आप देख रहे हैं पूरा जो पहले का जो इंटरफेस था उसमें ये सब नहीं आता था, ये पूरा डिफरेंट हो गया है। और ये अब जो नीचे वाला सेक्शन देख रहे हैं जिसको मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, ये वाला जो सेक्शन है ये पूरा वर्ड जैसा सेक्शन हो गया है। तो ठीक है, सबसे पहले मेन यहाँ पे देखिए हमें हेडिंग टाइटल देने के एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें अपना जो भी हमारा टाइटल होता है मेन, उसको हम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया व्हाट इज एसईओ। मैंने यहाँ पे सिंपल दे दिया व्हाट इज एसईओ। आप देख रहे हैं ये मैंने अपना टाइटल दे दिया। ठीक है, टाइटल देने के बाद देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपनी लिंक जनरेट हो जाएगी। जैसे ये वेबसाइट का नेम आ गया स्लैश व्हाट इज एसईओ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली लिंक जनरेट हो गई। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर अपना जो भी कॉन्टेंट है दे देंगे। ठीक है, हम एक कॉन्टेंट यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने ये कॉन्टेंट पेस्ट कर दिया है। अभी देखिए इसके बेनिफिट्स देखिए, यहाँ पे आपको लाइक पैराग्राफ की जरूरत है, H1, H2, H3 हेडिंग्स की जरूरत है। डायरेक्टली आप उसको सिलेक्ट कीजिए, जैसे आप में इसको आपको H1 हेडिंग बनाना है, इसको सिलेक्ट कीजिए यहाँ से और इसमें H1 पे क्लिक कर दीजिए, आपकी H1 हेडिंग बन जाएगी, H2 बन जाएगी। ठीक है, सो आप ये सब सिलेक्ट कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक और यहाँ पे ब्लॉक क्वाड्स और सब कुछ लेफ्ट राइट करने के लिए सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आपको किसी को लाइक परमालिंक लगानी, जैसे आपको मैं ये वाली अपनी यहाँ पे वेबसाइट की लिंक कॉपी कर लेता हूँ एक बार और आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैंने लिंक कॉपी कर ली। अभी लाइक एग्जांपल के लिए मुझे यहाँ पे एक लिंक देनी है। ठीक है, सो मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे मुझे लिंक देनी है यहाँ पे, इस पे मुझे लिंक देनी है, सो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपनी वेबसाइट की लिंक कॉपी कर देता हूँ। और सिंपली इसको आपको इस टाइप से अप्लाई कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे सिंपली लिंक ऐड हो गई। अभी फोटोज को यहाँ पे फोटोज को अपलोड करने का भी सेक्शन बहुत अच्छे से मिल जाता है। हम इजिली फोटो को अब बड़ा कर सकते हैं, उसका साइज छोटा कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो देखते हैं कैसे। तो ठीक है, मैं ऐड मीडिया पे जाता हूँ और एक फोटो हम अपलोड करते हैं। जैसे मैं यही फोटो अपलोड कर देता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। ठीक है,
देख रहे हैं मैंने ये फोटो यहाँ पे इंसर्ट कर दी है। अभी आप देख सकते हैं ये इतना सिंपल प्रोसेस हो जाता है। देखिए अब आप जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा करते हैं, जितना छोटा करना चाहे उतना छोटा करते हैं, जो साइड करना चाहे लेफ्ट राइट मिडिल में, तो आप सब जगह इसको कर सकते हैं। ये तो एक सिंपल ऑप्शन हुआ। फिर उसके बाद इसमें देखिए फीचर्स इमेज का एक ऑप्शन मिल जाता है। फीचर्स इसमें इमेज सबसे पहले शो होगी, फिर उसके बाद देखिए फीचर्स इमेज मतलब होता है जैसे आप कोई ब्लॉक ओपन करेंगे तो पहले फीचर्स इमेज शो होगी फिर ये वाली इमेज शो होगी। देखिए अभी मैं एक फीचर्स इमेज ऐड करके आपको शो कराता हूँ। ठीक है, मैंने ये फीचर्स इमेज में ये ले लिया है एंड देन हम ये वाली इमेज यूज कर लेते हैं। फीचर्स इमेज में मैं ये वाली इमेज यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये फीचर्स इमेज मैंने यूज कर ली है। अभी हम देखिए इस टाइप से मैंने अभी मैं आपको रिव्यू दिखाऊंगा पूरे इस ब्लॉग को पोस्ट करके। ठीक है, अभी हम सिंपल यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इस टाइप से हो गया है। लाइक आपको किसी लाइक ये वाली हेडिंग है, आपको उसका कलर चेंज करना है तो बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पे हर कुछ अवेलेबल है बहुत सिंपल फॉर्मेट में। देखिए मैंने एक सेकंड में इसका कलर, मैंने इसका कलर रेड कर दिया। तो इस टाइप में आपके पास हर कुछ अवेलेबल है। फिर अगर आप कैटेगरी बना लेते हैं जैसे आपका लाइक ये जो कॉन्टेंट है एसईओ से रिलेटेड कैटेगरी में है, तो आप यहाँ पे सिंपली एसईओ से रिलेटेड कैटेगरी एड कर सकते हैं। तो सब कुछ सिंपल प्रोसेस हो जाता है इसका यूज करने के बाद। फिर हम और भी आगे डिस्कस करने वाले, पहले एक बार हम इसको पब्लिश करते हैं और एक बार देखते हैं हमारा ब्लॉग कैसा हुआ है। सो हम इसको पब्लिश मैंने इसको कर दिया है और एक बार व्यू पोस्ट करके देखते हैं कि हमारी पोस्ट कैसी हुई है। सो आप देख रहे हैं सबसे पहले तो अपनी फीचर्स इमेज आ रही है, फिर पूरा कंटेंट इस टाइप में आ रहा है, फिर ये इमेज आ रही है। अभी तो मैंने इमेज का साइज सही नहीं लिया हुआ, सो इस टाइप की इमेज आ रही है। अदरवाइज हम बिल्कुल राइट साइज की इमेज लेते देन बेटर कंटेंट यहाँ पे पोस्ट होता। ठीक है, ये सैंपल पेज में कैसे आ रहा है इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। लाइक हमें जो मेरे ब्लॉग पोस्ट होते हैं सब मुझे ब्लॉग सेक्शन में चाहिए, सैंपल सेक्शन में नहीं चाहिए। अभी हम जितने भी ब्लॉग पोस्ट करेंगे वो सैंपल सेक्शन में जाएंगे। मुझे चाहिए है जितने भी ब्लॉग मैं पोस्ट करूँ सब ब्लॉग सेक्शन में जाए, तो उसके लिए आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पर जाना रीडिंग के सेक्शन में। रीडिंग के सेक्शन में आपको होम योर होम पेज डिस्प्ले में देखिए सैंपल पेज सिलेक्ट है, आप ब्लॉक सिलेक्ट कर दें सिंपली एंड देन क्या होगा जितने भी ब्लॉक आप पोस्ट करेंगे यहाँ पे आपकी ब्लॉक सेक्शन में जाएंगे। तो इस टाइप से आप अपने ब्लॉक को पोस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ब्लॉक को पोस्ट करने के बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन आता है कैटेगरी का। तो देखिए आपकी बिजनेस की जितनी कैटेगरीज है पहले ही बना लीजिए। तो यहाँ पे आपको कैटेगरी में चूज करने के बाद यहाँ पे आपने नेम दे दिया है, देन आपको सिंपली यहाँ पे एड अ न्यू कैटेगरी करना है। जैसे ही आप एड न्यू कैटेगरी करेंगे आपकी कैटेगरी एड हो जाएगी। फिर जब आप पोस्ट करेंगे कोई भी तो आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सो आपने एसईएम की कैटेगरी बना ली, अब आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में आ जाएगी आपके पास एसईएम की कैटेगरी, उसमें ऐड करना है, एसईओ में ऐड करना है या अनकैटेगराइज में जिसमें आपको ऐड करना है आप ऐड कर सकते हैं। फिर उसको आप यहाँ पे और कोई भी न्यू कैटेगरी देना चाहें दे सकते हैं। सो अभी मैंने यहाँ पे कैटेगरीज ऐड की थी। तो देखिए कैटेगरीज को ऐड करने का क्या बेनिफिट है, जैसे देखिए मैं एसईओ की कैटेगरी में इसको ऐड करता हूँ। ठीक है, इसको मैंने एसईओ की कैटेगरी में ऐड किया और इसको मैंने किया पब्लिश। अभी इसका क्या बेनिफिट है, अभी हम देखिए एक बार पोस्ट पर चलते हैं और कैटेगरी को देखते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये कर दिया है। अभी हम कैटेगरीज में एसईओ पर जब क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो ब्लॉग है ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक उसका बेनिफिट है, ठीक है, कैटेगरी का। ठीक है, अभी उसके बाद हम बात करते हैं टैग्स की। यहाँ पे हम कुछ टैग्स दे सकते थे, कैसे टैग देना। सबसे पहले हमें आपको टैग्स के ऑप्शन में आना है सिंपली। जैसे आपका एक टैग है एसईओ तो आपको इसको ऐड करना है एसईओ, दूसरा टैग है आपका एसईएम है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, तो आपको ऐड कर देना है। हर जितनी भी आपकी पर्टिकुलर पोस्टेज होंगी उसमें भी आपको टैग्स ऐड करने हैं। ये ऑप्शन यहाँ पे क्लासिकल एडिटर में बहुत सिंपल फॉर्मेट में आता है, इसलिए मुझे ये बेस्ट लगता है और मैं ऑलवेज इसका यूज करता हूँ। तो इस टाइप से आपको सिंपली टैग्स ऐड करते जाना, एक एसईओ कर दिया, एक एसईएम कर दिया, और भी जितने आपके टैग्स हैं आप ऐड कर सकते हैं। फीचर्स इमेज ऐड करना मैंने बता दिया है, टैक्स बता दिया है मैंने, कैटेगरीज बता दी है मैंने, और फिर यहाँ से आप विजिबिलिटी अगर आप पब्लिश करने पहले देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप जैसे ही आपने इसको पोस्ट कर दिया अपडेट कर दें तो अपडेट कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर आप फिर उसके बाद आपको जितनी भी पोस्ट आपकी देखनी है ऑल पोस्ट में आप देख सकते हैं कि आपकी कितनी भी पोस्ट है, और उसके बाद आप पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। सो ये था हमारा पोस्ट करने का तरीका। मैं प्लगइन्स का नेम फिर से बता देता हूं, जिससे आप प्लगइन्स के सेक्शन में फर्स्ट प्लगइन थी एडवांस एडिटर टूल और जिसको हम टिनी एमसी ई भी बोलते हैं। ठीक है, और दूसरी थी क्लासिक एडिटर। इन दोनों को इंस्टॉल कर लें देन आपका फॉर्मेट पोस्ट करने का बहुत सिंपल हो जाएगा। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी यहाँ पे न्यू सीखने को मिल रहा है सो थैंक यू एवरीवन, और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए अगर आप कुछ भी यहाँ से न्यू सीख रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।